नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के 10 सुपर फास्ट खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने योगी सरकार के कामकाज, खासकर कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की कानपुर में सराहना की, साथ ही महामारी के दौर में स्वयंसेवकों के सेवा भाव की भी तारीफ की। 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों का देश भर में खुलने का इंतजार हो रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 में सीनियर क्लासेस शुरू करने की भी इजाजत दी थी, लेकिन किसी भी राज्य में स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच यूपी के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार 15 सितंबर के बाद निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी चाहे जितने प्रवचन दें, पुलिस की कार्यशैली बदलने वाली नहीं है। भाजपा के जंगल राज में पुलिस मित्र तो बन नहीं सकी, अत्याचार और अन्याय का पर्याय जरूर बन गई है। अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं रह गया है, वे बेखौफ हो भी क्यों ना, जब पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी उनकी साजिशों में शरीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्ट पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस के सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नकारा पुलिस वालों की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है जो 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। वहीं इन पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर योगी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके तहत समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान हर 6 माह में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे, लिहाजा 5 साल बाद उन्ही कर्मचारियों को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। आपको बता दें कि क्रमिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मतदान केंद्र के लिए भी जिला प्रशासन अपनी कवायद में जुट गया है। संभल में अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने अब तक की हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए आंकड़े पेश किए हैं। वहीं 800 से अधिक मतदाता वाले बूथ को लेकर सहायक बूथ बनाने की बात भी कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,846 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में एक्टिव मामले की कुल संख्या 67,955 हो गई है। इसके अलावा 2,33,527 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और राज्य में रिकवरी रेट 76.35% हो गया है। पिछले एक साल से बंद पड़ी लखनऊ कटरा एसी जनरथ बस सेवा एक बार फिर शुरू करने की तैयारी है। इस बार चारबाग बस डिपो बसों का संचालन करेगा। इसके लिए जम्मू परिवहन से बसों के परमिट मांगे गए हैं। बागपत शहर कोतवाली के टटीरी पुलिस चौकी के बाहर नकली किन्नरों की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। असली किन्नरों ने दोनों नकली किन्नरों को बधाई मांगते पकड़ लिया। पहले तो भारी भीड़ में उनका सर मुंडन कराया और फिर चप्पलों से उनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, दोनों नकली किन्नरों को पीटते हुए किन्नर पुलिस चौकी ले गए, जहां पुलिस कर्मियों के सामने भी उनकी पिटाई की गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना किट घोटाले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि आपदा के समय आम जनता के लिए बनी योजनाओं में भत्ते में कटौती करने वाली भाजपा सरकार घोटाला करने में सरपट भाग रही है। नतीजा है कि आज यूपी में लगभग हर जिले में कोरोना किट घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को यूपी कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी थी कि वे घोटालेबाजों को बचाना बंद करें। तो ये थी उत्तर प्रदेश के इस वक्त की 10 सुपर फास्ट खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।